हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे बीएससी बीटेक फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड के लिए जो टॉपिक्स है एलजेब्रा मैथ्स का, तो वो आज हम सीखेंगे बिना कुछ समय की देरी किए। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिलेटेड तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी को ऑल पे प्रेस कर देना। तो देखिए, हमारा जो दिया गया क्वेश्चन है डी वे कर्ल ए इज इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करना है। तो जो भी हमें दिया है वो पहले हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं। दिया क्या है, जो हमें दिया था डी कर्ल ए इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो हमें पता है कि इसको हम डेल के रूप में लिख सकते हैं, तो डेल और कर्ल ए को लिख सकते हैं डेल क्रॉस ए यानी इन टू ए, है ना। हमें ये पता है, ये डेफिनेशन आपने परिभाषा में पढ़ा होगा, कर्ल ए को हम डेल इन टू ए के रूप में लिख सकते हैं इज इक्वल टू जीरो। तो ये भी ये लिखो या ये लिखो कोई फर्क नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर ए के लिए हम मानते हैं, इसे सदिश मान लेते हैं ए इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। यहाँ पर ए की तीन स्थितियां मानी, आई कैप जे कैप के के लिए। और अब देखिए, कर्ल ए निकालते हैं, कर्ल ए हमेशा क्या होता है, कर्ल ए होता है डेल इन टू ए, ये आपको पता है। तो कर्ल ए इज इक्वल टू डेल इन टू ए, डेल इन टू ए यानी कि हम क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। इस डेल के लिए जो यहाँ पर हमेशा ये रूल होता है आई कैप जे कैप के कैप डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी वाई और इसके लिए डी अपॉन डी जे। अब देखिए, ए है तो ए के लिए हमने क्या माना था, ए वन ए टू ए थ्री, है ना। ये आई कैप के लिए ए वन था, जे कैप के लिए ए टू था, इसके लिए ए थ्री था। अब देखिए यहाँ पर कर्ल ए इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर कर्ल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको काटते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ए थ्री वाई माइनस डी ए टू जेड। इसको अब ये किसके लिए हमने किया था, आई केप के लिए, तो आई केप लिखा प्लस, यहाँ पर देखिए जेकब को काटते हैं तब क्या बच जाएगा, डी ए डी ए वन, यहाँ पर डी ए वन जेड, डी ए वन जेड वन बट्टा डी ए थ्री डी एक्स। ये किसके लिए किया था, जे कैप के लिए प्लस, अब के कैप को काटते हैं तब क्या हो जाएगा, डी ए टू एक्स माइनस डी ए वन वाई। ये किसके लिए किया, के कैप के लिए। अब देखिए, जो कर्ल आया हमें, ये कर्ल मिल गया, अब हम निकालेंगे डी वाई डॉट कर्ल ए। तो देखिए, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, डेल लिखते हैं इन डॉट डेल क्रॉस ए इंटू ए। अब देखिए, इसको हमें पता है कि डेल को हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप अपॉन डी अपॉन डी एक्स प्लस वाई कैप जे कैप डी अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी अपॉन डी जेड, जो हमने यहाँ पर लिखा था डेल के लिए क्या लिखा था, आई कैप जे कैप के कैप डी एक्स डी वाई, ये एक साथ रूप में इस प्रकार लिखते हैं, है ना, डेल को। और यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर सारणिक के रूप में लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं ये, है ना। तो ये हमने यहाँ पर लिखा डेल को डॉट डेल इंटू ए। तो देखिए, अब हम डेल इंटू ए का मान यहाँ पर रख देंगे, डेल इंटू ए के लिए जो मान आया है हमारे लिए, यानी डेल इंटू ए क्या है, कर्ल, है ना। तो कर्ल के लिए जो मान आया था वो हम यहाँ लिख देंगे। पहले ये लिखा हमने डॉट, कर्ल के लिए हमें क्या मान प्राप्त हुआ, ये पूरा का पूरा यहाँ पर हमने लिख दिया। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है डी ए थ्री अपॉन डी वाई माइनस डी ए टू अपॉन डी जेड आई कैप प्लस डी ए वन अपॉन डी जेड माइनस डी ए थ्री अपॉन डी एक्स जे कैप प्लस डी ए टू अपॉन डी एक्स माइनस डी ए वन अपॉन डी वाई के कैप। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर डी आई कैप है आई कैप के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, देखिए डी डी टू हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं बोलते इसको, डी टू ए थ्री अपॉन डी एक्स, ये डी एक्स और डी वाई माइनस, यहाँ पर अब देखिए वापस हो जाएगा डी टू ए टू और डी एक्स डी जेड। यहाँ पर अब देखिए प्लस प्लस, अब देखिए इसका हम करेंगे जे के साथ, तो डी डी टू ए वन अपॉन डी वाई डी जेड प्लस के बाद ये माइनस है, और डी टू ए थ्री अपॉन डी वाई डी एक्स प्लस, अब देखिए अब जेड वाले का करेंगे तो डी, यहाँ पर हो जाएगा डी टू ए टू अपॉन डी जेड डी एक्स, यहाँ पर प्लस, अब माइनस माइनस डी टू ए वन ऑफ डी जेड डी ए सॉरी डी जेड डी वाई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर सब एक समान हो रहे हैं यानी कट रहे हैं, है ना। देखिए ये एक्स वाला एक्स वाई वाला, तो ये एक्स वाई वाला एक्स वाई वाला, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, यानी सब एक दूसरे से कट जाएंगे। इस प्रकार जो हमारा उत्तर आएगा वो जीरो आएगा।
तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने साथियों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।